हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सेकेंड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से यूनिट 4 की पोम रेन। तो आइए इसको देख लेते हैं। रेन, रेन मीन्स होता है बारिश। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर एंड ऑन द शिप्स एट सी। आप इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर एंड ऑन द शिप्स एट सी। तो इसमें जो है बात कर रहे हैं बारिश की। जो बारिश होती है वो चारों तरफ हो रही है। रेन कहते हैं बारिश को, ऑल अराउंड कहते हैं चारों तरफ, रेनिंग कहते हैं बारिश होना। तो जो बारिश है वो चारों तरफ हो रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज, तो ये किस पर गिरती है? फील्ड्स पर और ट्री पर। फील्ड पर भी गिरती है और ट्री पर भी गिरती है। अब फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है एन एरिया ऑफ ओपन लैंड प्लांटेड विथ क्रॉप्स, ऐसा ओपन एरिया जिसमें क्रॉप्स होती हैं। क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। एंड ट्री क्या होता है? ट्री तो आप सब जानते हैं, ग्रीन ग्रीन ट्री है ना, पेड़। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर, और ये बारिश कहाँ पर होती है? अम्ब्रेलाज पर भी हो रही है। अम्ब्रेलाज क्या होते हैं? छाता। अम्ब्रेला कहते हैं छाता को। और अम्ब्रेलाज क्या होता है? छातों पर, बहुत से छाते। तो ये बारिश जो यहाँ पर कहाँ हो रही है? अम्ब्रेलाज पर भी हो रही है, छातों पर भी हो रही है। एंड ऑन द शिप्स एट सी, और शिप्स क्या होते हैं? पानी के जहाज है ना, जो समुद्र में होते हैं। सी कहते हैं समुद्र को, जो वाटर बॉडी होती है ना उसको, ए लार्ज वाटर बॉडी। तो जो बारिश है वो कहाँ कहाँ पर हो रही है? फील्ड पर हो रही है और ट्री पर भी हो रही है। और किस पर होती है? अम्ब्रेलास पर भी होती है। और इसके अलावा बारिश जो समुद्र में शिप्स हैं उस पर भी होती है। तो अभी हम देखेंगे इसके न्यू वर्ड्स को। फील्ड, फील्ड मीन्स होता है एन एरिया ऑफ ओपन लैंड प्लांटेड विथ क्रॉप्स। अम्ब्रेलाज क्या होते हैं? अम्ब्रेलाज जो होता है उसका होता है छाता। तो छाते क्या होते हैं? यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड रेन। इसका यूज, छाते का यूज़ कैसे किया जाता है? सिर्फ बारिश के लिए ही नहीं, बारिश से बचने के लिए नहीं, जबकि धूप से बचने के लिए भी छाते का यूज़ किया जाता है। शिप्स क्या होता है? मैंने आपको बताया, शिप होता है पानी का जहाज, लार्ज बोट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स बाय सी। बोट, जो बहुत बड़ी बोट होती है उसका यूज़ होता है, या तो लोग उस पर आते जाते हैं या फिर उस पर सामान लाया जाता है। रीडिंग इज़ फन। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर डज द रेन फॉल? द रेन फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज। जो बारिश होती है वो किस पर गिरती है? फील्ड्स के ऊपर और ट्रीज के ऊपर। इसके अलावा इसमें बताया गया है छाते पर भी और शिप्स पर भी जो सी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स? लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं जब बारिश होती है? तो पीपल जो है वो अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं जब बारिश होती है। पीपल यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। इसके अलावा क्या क्या यूज़ करते हैं? रेनकोट्स का भी यूज़ करते हैं और बूट्स का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हियर, लेट्स टॉक, आओ बात करें। व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? आप रेनी डे में क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं रेनी डे में? आप अपनी अपनी चॉइस से लिखेंगे कि आप रेनी डे में क्या करते हैं। आप बारिश में नहाते हैं या फिर आप क्या करते हैं उसमें? पेपर बोट चलाते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है बारिश में जो है खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन द टेरिस ऑन अ रेनी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ड्राई इन द रेन? आप अपने आप को बारिश में सूखा कैसे रखते हैं? बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं? अम्ब्रेला ले लेते हैं, कुछ बच्चे रेनकोट पहन लेते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए? आप ऐसे लिखेंगे, आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको वाटर में खेलना पसंद है? तो ज़्यादातर बच्चों को तो पसंद होता ही है, तो आप कैसे इसका आंसर देंगे? आप बोलेंगे, येस आई लाइक टू प्ले इन वाटर, आई ऑल्सो प्ले म्यूजिक वाइल प्लेइंग इन वाटर। नेक्स्ट इज हियर, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर?
आपको बताना है जो चीज़ें पानी में रहती हैं। तो काफ़ी चीज़ें पानी में रहती है ना, आप बताएंगे मैनी थिंग्स लिव इन वाटर लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, फिश, व्हेल, टॉर्टोइज एट्सेट्रा। रिडल टाइम। हु एम आई? आई गो अप एंड डाउन अ लॉट वेदर इट इज कोल्ड और हॉट। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स। माई नेम राइम्स विद डॉटर। I am your friend named, what is the answer? Answer is water. Get this fish tank. Write 3 sentences on what you see. Draw some more creature in this tank. 7 beautiful fish are swimming in the water. There are small green plants in the water. There are pebbles at the bottom of the water of the sea. Let's sing. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the house top, but not upon me. बारिश कहाँ पर है? ग्रीन ग्रास पर भी है, ट्री पर भी है, और रेन कहाँ पर है? हाउस टॉप पर भी, यानी घर के ऊपर भी, बट नॉट अपॉन मी, मेरे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला हो सकता है, या फिर उसने रेन कोट पहना हो सकता है, या फिर वो खुद ही घर के अंदर हो। द वर्ड्स अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विद पिन। आपको कलर करना है जो भी वर्ड राइमिंग है, जैसे कि पिक्चर में आप देखेंगे, आप सेम कलर करेंगे जो जो राइमिंग वर्ड्स होंगे, जैसे कि पिन, स्पिन, टिन और फिन। ये क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे? सेम कलर करेंगे। जिसमें आई एन लिखा है तो उसमें आप करेंगे रेड कलर को, इस तरह से फिल कर देंगे रेड कलर से। नेक्स्ट, जिसमें भी डाउन है यानी ओ डब्ल्यू एन लास्ट में दिया है, तो आपको क्या करना है? उसमें येलो कलर करना है। जैसे कि ब्राउन में है तो यहाँ पर आप येलो कलर कर देंगे, ब्राउन, ब्राउन। जब ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिडिल में एक स्टार बन जाएगा। लेट्स राइट। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में से पिक्चर्स को देखकर आपको लिखना है कि ये पिक्चर किसकी है। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी, द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, डक इज स्विमिंग इन द लेक, द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।